वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, अजय देवगन एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड की डे वन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। और बिलीव मी गाइस, जितना मैंने सोचा हुआ था और जितने इस मूवी के रिव्यूज़ थे, जिस टाइप के रिव्यूज़ थे, जिस टाइप का ऑडियंस का रिएक्शन था, मुझे लगा था कि यार ये मूवी बिल्कुल भी कलेक्शन नहीं करने वाली। दिल की बात बता रहा हूँ, लेकिन मूवी ने इतनी अच्छी कलेक्शन की है कि यार मेरी बोलती बंद करवा दी। जी हाँ, कितनी कलेक्शन आई है, क्या सीन होने वाला है, मूवी का बजट कितना है, ईच एंड एवरीथिंग बताता हूं। तो इससे पहले कि बताऊं, जिन भाई दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लो यार, क्योंकि ऐसे अपडेट वीडियोस हम आप सबके लिए लाते ही रहते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको थैंक गॉड का ऑफिशियल बजट बताने वाला हूं, जो कि अभी अभी रिवील हुआ है। अभी अगर आप गूगल पे जाते हो, गूगल पे जाके लिखते हो थैंक गॉड मूवी बजट, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो विकिपीडिया का ऑफिशियल बजट आएगा, जो कि बता रहा है कि इस मूवी का बजट है 50 करोड़। 50 करोड़ के बजट में गाइस थैंक गॉड बनाई गई है, जो कि बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। अब हम आ जाते हैं डे वन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। तो गाइस, अर्ली एस्टिमेट बता रहा है कि थैंक गॉड डे वन के अंदर कमाने वाली है 10 करोड़ प्लस। और बिलीव में ये बहुत अच्छे हैं। अगर तो गाइस ये मूवी डबल डिजिट में आ जाती है, मतलब 10 करोड़ समथिंग भी होता है, तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मूवी का बजट ही 50 करोड़ है और डे वन में अगर 10 करोड़ कमाती है तो 40 करोड़ आ जाएगा। और अभी चल भी गाइस ट्यूजडे रहा है, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब हॉलीडेज, फिर आगे गाइस क्या नाम है, वर्किंग वीकेंड आ जाएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो मतलब मूवी इस संडे तक ही अपना बजट इजीली कवर कर सकती है अगर डे वन का, क्योंकि डे वन गाइस देखिए, मैं डे वन को इतना ज्यादा प्रेफर क्यों करता हूं, डे वन में मूवी का कंप्लीट पता चल जाता है कि मूवी कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है। अब थैंक गॉड का देखो, डे वन में 10 करोड़, तो ये बता रहा है कि ऑडियंस जा रही है मूवी को देखने, एंजॉय कर रही है। और मैंने आपको पहले भी बताया, मूवी भले ही गाइस ऐसी है कि कॉमेडी इतनी अच्छी नहीं है, आपको हंसा देती है लेकिन उस लेवल की नहीं है, लेकिन फिर भी इस मूवी को आप देख के एंजॉय करते हो। तो आई थिंक सो गाइस, ऑडियंस यही देख के जा रही है और अच्छा ऑडियंस का रेस्पॉन्स आ रहा है। तो 10 करोड़ एक अच्छी अमाउंट है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये मूवी अपना बजट कंप्लीट कर पाएगी, 50 करोड़ कर पाएगी, और इस मूवी की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहां तक जा सकती है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। फिलहाल अगर मैं लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूं, तो गाइस मेरे अकॉर्डिंगली ये मूवी 60-65 करोड़ तक जा सकती है। अब अच्छी बात यह है कि अपकमिंग आने वाले मंथ में कोई इतनी बड़ी फिल्म आनी भी नहीं है, अजय देवगन की ही आनी है नवंबर के अंदर, और वो है दृश्यम 2। उसके अलावा कोई भी बड़ी फिल्म नहीं है। अब पूरा 2022 के अंदर नेक्स्ट कोई बड़ी फिल्म है ही नहीं, 2023 के फर्स्ट मंथ में आएंगी, तो ये बहुत अच्छा सीन हो सकता है। राम सेतु, थैंक गॉड, इनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। आप लोग इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अभी तक लिए इतना ही, वीडियो जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अगली आने वाली वीडियो में रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।